हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, जिसमें से हमने काफी सारी शॉर्टकट कीज देख ली हैं कि जब हमें फर्स्ट रो पर जाना होता है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम पे जाना होता है, या रो पर जाना होता है मतलब ऊपर जाना होता है, तो बेसिक बात यही कही गई है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अपर की का यूज करेंगे, होम की के साथ पेज अप का यूज करेंगे, एंड की के साथ पेज डाउन का यूज करेंगे, एक्सेप्ट करना होगा तो कंट्रोल ए यूज करेंगे, बाहर जाना होगा स्क्रीन से तो एस्केप की का यूज करेंगे। तो ये सब चीजें हमने काफी जो जिससे हमारा क्या होता है टाइम बचता है, वो सारी चीजें यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है, तो आई होप ये अभी तक जितने हमने शॉर्टकट किया आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली ईआरपी में इसका शॉर्टकट क्या है और टैली प्राइम में। किसी किसी में तो चेंजेस नहीं है, बट किसी में चेंजेस है और किसी में टैली ईआरपी में जो शॉर्टकट नहीं है वो टैली प्राइम में है। तो कुछ चीजें यहाँ पर न्यू की गई है, तो उन्हीं का आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन लिखेंगे, फिर सेकंड वाले इसमें क्या लिखेंगे, टैली प्राइम, और इसमें लिखेंगे टैली ईआरपी के शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं टू एक्सपेंड और क्लास्प अ ग्रुप इन अ टेबल। कि हमें क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा ग्रुप को टेबल में। तो कैसे करेंगे, टैली प्राइम में यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस करेंगे, मतलब ऑल्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, एंटर की। ठीक है, और अगर मैं टैली ईआरपी में बात करूं तो सेम शॉर्टकट रहता है, ऑल्ट के साथ एंटर की अगर मैं प्रेस करती हूँ तो होता है। कैसे, जैसे हमें क्या करना होगा, कोई भी ग्रुप है, जैसे इनको क्या करना होगा, अगर मुझे ग्रुप में करना होगा किसी को भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल में अगर एक्सपेंड करना होगा तो ऑल्ट के साथ एंटर पर हम क्लिक करेंगे और वो चीज क्या है, टेबल में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वापस आते हैं अपने इस पर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू मूव टू द लास्ट फील्ड और लास्ट लाइन, कि हमें कहाँ पे जाना होगा, या तो लास्ट फील्ड में जाना होगा या फिर आप बोल सकते हैं लास्ट लाइन में जाना होगा। तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एंड जो है की उसका यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट की बात की गई है। अगर टैली ईआरपी की बात करें तो इसमें शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल के साथ एंड की का ही यूज करेंगे, सेम शॉर्टकट इसमें रहता है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा, अगर हमें मूव करना होगा टू द फर्स्ट फील्ड और फर्स्ट लाइन में, तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कंट्रोल के साथ क्या यूज करेंगे, होम की। और टैली ईआरपी की बात करें तो सेम शॉर्टकट रहता है, कंट्रोल के साथ होम की का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू ओपन या फिर हाइड करने के लिए, मतलब ओपन करने के लिए, हाइड करने के लिए किसको, कैलकुलेटर को। तो कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ एन का। और अगर टैली ईआरपी में देखें तो यहाँ पे क्या यूज होता है, अलग अलग शॉर्टकट है। देखिए हमें ओपन और हाइड के लिए टैली प्राइम में क्या है, एक ही शॉर्टकट दिया गया है, कंट्रोल एन। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, कंट्रोल एन से देखिए यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अगर मुझे इसको हाइड करना होगा, दोबारा से कंट्रोल एन किया, वो चला गया। तो यहाँ से टैली प्राइम में क्या है, एक ही शॉर्टकट है, पर टैली ईआरपी में अलग अलग है, कि कंट्रोल एन किसका शॉर्टकट है, ओपन का, और जो कंट्रोल
एम है वो किसका शॉर्टकट है, हाइड करने का, मतलब हाइड अलग तरीके से शॉर्टकट से होगा और ओपन अलग से। तो ये चीज जो है टैली प्राइम में इजी कर दी गई है हमें याद रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी टू ओपन और शो द डिटेल्स इन अ टेबल, कि हमें डिटेल्स कैसे शो करनी है टेबल में शो करनी है। तो हम कौन से शॉर्टकट यूज करते हैं टैली प्राइम में, ऑल्ट प्लस टी। ऑल्ट के साथ क्या यूज करते हैं, टी का यूज करते हैं। और ये वाला जो शॉर्टकट है टैली ईआरपी में भी क्या है, सेम रहता है ऑल्ट के साथ टी। ठीक है, क्या किसके लिए, ओपन या फिर दिखाने के लिए डिटेल्स टेबल में। फिर देखते हैं यहाँ पर ओपन नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड आएगा, हाइड या फिर मतलब शो करने के लिए। ठीक है, फिर लिखते हैं टू ओपन कंपनी फीचर्स। ये तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हमें जिस भी फीचर का यूज करना होता है हमें उसको पहले एक्टिवेट करना होता है। तो टू कंपनी फीचर को जब हमें ओपन करना होगा तो कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, एफ के साथ 11 का यूज करते हैं। और अगर टैली ईआरपी में देखें तो टैली ईआरपी में शॉर्टकट क्या होता है कंपनी फीचर्स को ओपन करने का, एफ 11 ही रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं टू प्राइमरीली ओपन अ रिपोर्ट एंड क्रिएट मास्टर्स एंड वाउचर्स इन फ्लो ऑफ वर्क। इसमें क्या कहा गया है कि हमें जल्दी से रिपोर्ट को ओपन करना होगा और क्रिएट करना होगा मास्टर या फिर वाउचर्स। तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ जी, ये तो मैंने आपको बताया भी है। और इसमें भी क्या होता है अगर हम देखें टैली प्राइम में, तो टैली प्राइम में क्या होता है इसमें कोई भी लोकेशन वो सॉरी कोई भी शॉर्टकट इसका नहीं होता है कि हम ऑटोमेटिक मतलब जल्दी से इसको ओपन कर सके। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ होता कहाँ पे है, ये टॉप मेन्यू में होता है। अगर लोकेशन देखें टैली प्राइम में इसकी, तो टैली प्राइम में देखें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऑल्ट के साथ आता है, कंट्रोल नहीं आएगा, यहाँ पे ऑल्ट के साथ जी यूज करना होगा। यहाँ पे सही कर देती हूँ क्योंकि सिंगल लाइन है, इट मींस ऑल्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑल्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं टू स्विच टू अ डिफरेंट रिपोर्ट एंड क्रिएट मास्टर्स एंड वाउचर्स इन द फ्लो ऑफ वर्क। मतलब कि क्या कर रहे हैं, हम स्विच कर रहे हैं किसी दूसरी रिपोर्ट पे और हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं मास्टर और वाउचर। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्या होता है यहाँ पर इसके लिए शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस जी, इसके साथ आता है कंट्रोल। ठीक है, और अगर मैं इसमें देखूं टैली प्राइम में, तो टैली प्राइम में इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, नन। फिर एक और शॉर्टकट देखते हैं अभी, टू ओपन कंपनी टॉप मेन्यू, क्या हमें ओपन करना होगा कंपनी का बिल्कुल टॉप मेन्यू। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको बता रखा है ऑल्ट के साथ के का यूज करते हैं
और अगर मैं टैली ईआरपी की बात करूं तो टैली ईआरपी में ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता कि हम कंपनी के जितने भी मेन्यू होते हैं सबको एक साथ यहाँ पे देख सके और उसमें से सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन। तो मैं यहाँ पे आपको टैली प्राइम में दिखा भी देती हूँ। देखिए टैली प्राइम में जाएंगे और मैं यहाँ पे यूज करती हूँ ऑल्ट के साथ के। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो फीचर है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है कि कंपनी क्रिएट करनी है, पासवर्ड लगाना है, कनेक्ट करना है या फिर कोई और फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाला जो फीचर है आपको टैली ईआरपी में नहीं मिलेगा। टैली प्राइम जो है टैली ईआरपी के बाद आया है, तो ऑफ कोर्स काफी सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो टैली ईआरपी में नहीं होता और टैली प्राइम में वो शॉर्टकट दे रखे होते हैं। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, टू ओपन टैली। टॉपिक बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्क्रीन दैट इज ओपन, मतलब जो ओपन है। तो इसमें क्या क्या है, टू ओपन टैली हेल्प टॉपिक बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्क्रीन। तो इसको भी अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी। कंट्रोल के साथ क्या यूज करना होता है, आपको F1 का यूज करना होता है। और यही ऑप्शन अगर हमें टैली प्राइम में चाहिए हो, सॉरी टैली ईआरपी में चाहिए होगा तो क्या यूज करेंगे, चेंज है ऑप्शन, कंट्रोल के साथ आपको H का यूज करना होगा। तो टैली प्राइम में आते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ F1। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है ये वर्क ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि टैली प्राइम का जितना भी वो है हेल्प बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओपन हो रहा है सारी चीजें कि टैली प्राइम यहाँ पर इस तरह से टैली प्राइम का हेल्प बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला शॉर्टकट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने कितने शॉर्टकट देख लिए आज के, हमें एक्सपेंड करना होगा, मूव करना होगा लास्ट लाइन में या फिर फर्स्ट लाइन में, कैलकुलेटर को ओपन करना होगा। तो टैली ईआरपी में इसके दो शॉर्टकट थे, और कंपनी फीचर्स को इनेबल करना होगा तो उसका ऑप्शन क्या है, या फिर कोई डिफरेंट रिपोर्ट पे जाना होगा, कंपनी को ओपन करना होगा, या फिर हमें हेल्प बॉक्स चाहिए होगा टैली प्राइम से रिलेटेड, तो उसका शॉर्टकट क्या रहता है। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें शॉर्टकट जो है ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये शॉर्टकट भी आपको वर्क करते में आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे याद हो गए, आप इजीली वर्क कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो प्रैक्टिस से ही टैली याद रहती है, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप भूलने लग जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।